सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में प्रधानमंत्री के 21 दिन के लॉकडाउन का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि मंगलवार की रात प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद काफ़ी संख्या में लोग किराना और सब्जी बाजार लेने पहुंच चुके थे, जिसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और मामले को ठंडा कर लोगों को वापस अपने घर भेजा। आपको बता दें कि मंगलवार की रात पीएम की 21 दिन के लॉकडाउन की अपील के बाद अचानक काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे और किराना दुकान और सब्जी मार्केट पहुंच गए। भारी भीड़ की जानकारी सोशल मीडिया में आते ही प्रशासन हरकत में आया। फौरन बैकुंठपुर के एसडीएम सब्जी मंडी पहुंचे, वहीं सिटी कोतवाली प्रभारी ने कुछ पुलिसकर्मी को भी मौके पर भेज दिया, जहां लोगों को समझाइश दी गई कि ज़रूरत के सामान मिलना बंद नहीं होंगे, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। प्रशासन द्वारा दुकानों को बंद करवाया गया। दुकानदारों को बेवजह सब्जी के दामों में बढ़ोतरी न करने के निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद सिटी कोतवाली प्रभारी विमलेश दुबे के साथ एसडीएम एएस पैकरा ने तमाम किराना दुकानों के संचालकों के पास पहुंचे और उन्हें समझाइश दी। प्रशासन ने हर ग्राम पंचायत में लोगों को घर में रहने, साप्ताहिक बाजार के बंद रहने की मुनादी भी की, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने मिला। लोग घरों में ही बंद रहे। हालांकि कुछ साप्ताहिक बाजारों को पुलिस ने ही बंद कराया, जहां लोगों की भीड़ में कमी देखी गई। लोगों को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से समझाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्व की पूरी टीम वहां पहुंची हुई है। अब एक एक आदमी को समझाइश दी जा रही है कि उसमें हड़बड़ी या अफरा तफरी की कतई जरूरत नहीं। कोरोना वायरस को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो है धारा 144 से लगाया गया है, उसका मतलब ये है कि जो आवश्यक वस्तुओं की सामान है, जिसमें राशन सामान है, सब्जी है, दूध है, मोबाइल रिचार्ज की दुकान है, पेट्रोल पंप है, ये सब खुले रहेंगे। लोगों को अफरा तफरी मचाने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये जो है डेली बेसिस की सामान है, इसको हमारा आम जनता जो है कभी भी कहीं भी आके खरीद सकता है। मैं जो है आग्रह करूँगा आम पब्लिक से कि इसमें अफरा तफरी बिल्कुल ना मचाएं। साग सब्जी की दुकान जो है हमेशा खुली रहेगी। शासन को सहयोग करने की अपील है। एक एक मीटर दूरी बनाने के लिए हमने कोरोना वायरस दूसरे लोगों पर मत फैले, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कलेक्टर महोदय जी का आदेश है, उसको पालन करने के लिए मैं आम जनता से अपील करता हूँ। वहीं बुधवार को शहर की सीमा से लगे रास्तों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं, जो हर आने वालों की जाँच कर रहा है, जिसके चलते बुधवार को सड़कें सुनी दिखी, इक्का दुक्का लोग ही बाहर निकले। वहीं पुलिसिया सख्ती के कारण लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा। सोमवार और मंगलवार के मुकाबले बुधवार को काफ़ी कम लोगों की आवाजाही सड़कों पर देखी गई। जितने भी पॉइंट्स हैं भाड़ी में, खेनडाण में, चेर में स्टैटिक पॉइंट्स लगा दिए गए हैं, जो निर्देश प्राप्त हुए हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट और जो शहर की सीमाओं में भी जो आएंगे बाहर से लोग, उनको रोकने के लिए उनको बताना है कि जिस इलाके के रहने वाले हैं वहाँ पर दुकानें खुली हैं, वहाँ से सामान ले सकते हैं, इसलिए अनावश्यक कोई बाहर ना निकले। जो अत्यावश्यक कार्य हैं उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की जा रही है। घड़ी चौक पर भी पॉइंट लगाया गया है। पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार जो है, दो दो पेट्रोलिंग पार्टी लगातार शहर में भ्रमण कर रही है। ये सारे माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अब प्रचार प्रसार के साथ जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो गाड़ी के ऐसे वाहन चालक जो हैं जो अनावश्यक निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों के चालान कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों की जब्ती की भी कार्रवाई की जा रही है और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की है। गाँव के कोटवार ग्रामीणों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं। घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किया जा रहा है। लोगों को एक एक मीटर की दूरी बनाए रखने की बात भी कही जा रही है। यहां तक कि कोरोना के संक्रमण से बचने की जानकारी पढ़कर भी सुनाया जा रहा है। देश टीवी के लिए बैकुंठपुर से चंद्रकांत पारवीर की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।